लास्ट विलेज भी कह सकते हो इंडिया का, इसके बाद से भाई पाकिस्तान की सरहद शुरू हो जाए। ये ले लिए हमने करंसी। अब भाई अपनी असली रफ्तार में अपनी मेरी सीट पे देखो, 1 2 3 एक्सप्रेस जिसमें आज हम जाने वाले हैं भाई पाकिस्तान। और इसका कलर 3 4 5 4 5। गुड आफ्टरनून, तो स्वागत है सभी का एक और नई खूबसूरत यात्रा के साथ। दोस्तों टाइटल देखिए पता चल गया होगा कि आज मैं जा रहा हूँ भाई पाकिस्तान। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली से पाकिस्तान जा रहे हैं, आज इंटरनेशनल ट्रिप होने वाली है, तो एक्साइटमेंट तो होगी ना भाई। और आज की वीडियो में आपको पूरा प्रोसीजर बताएंगे कि आप दिल्ली से पाकिस्तान कैसे जा सकते हो, क्या क्या चीज़ें लगती हैं, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं, पासपोर्ट वीज़ा कैसे लेना है। बहुत सारे लोग बाद में क्वेश्चन करते हैं कि भाई कैसे कैसे लेना है, तो वीडियो को पूरी देखना है कैसे कैसे हम पाकिस्तान जाते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ से बॉर्डर तक, जो कि हम ट्रेन से जाएंगे दिल्ली से, और हमारी जो ट्रेन आने वाली है वो भी आपको पता चल गया होगा। तो चलिए अंदर चलते हैं और अपनी ट्रेन का अराइवल दिखाते हैं, ट्रेन के बारे में बताते हैं आपको, ठीक है भाई। टाइम देखिए लगभग 4:30 हो रहे हैं और अपनी जो ट्रेन है वो आ चुकी है नई दिल्ली के प्लेटफॉर्म नंबर 9 पे, और जो इसका टाइम था ना वो लगभग 1:55 पे था, यानी कि 2 बजे था। और देखिए भाई बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी है आज अपनी गरीब रथ एक्सप्रेस। देखिए गाज़ियाबाद के VIP 7 के साथ अराइवल हमारी ट्रेन का। देखिए हमारी सहरसा गरीब रथ एक्सप्रेस जिसमें आज हम जाने वाले हैं भाई पाकिस्तान। और इसका कलर देखो भाई पूरा हरा है भाई, एकदम पाकिस्तानी ट्रेन ही लगती है ये। देखिए और लोग देखिए कैसे चढ़ रहे हैं भाई चलती ट्रेन से। तो 2-2.5 घंटे की डिले के साथ हमारी जो ट्रेन है वो आ चुकी है, और ये जो ट्रेन है ये अपनी सहरसा अमृतसर गरीब रथ एक्सप्रेस जिससे आज हम जाने वाले हैं पाकिस्तान तक, मतलब कि बॉर्डर तक जाने वाले हैं। उसके बाद बाय वॉक जाएंगे एंड देन आपको बता देंगे कैसे कैसे जाते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने कोच वगैरह में। ट्रेन हमारी 2.5 घंटे लेट आई है और देखो भाई यहाँ पे भीड़ ही लग गई भाई एकदम। तो दोस्तों यहाँ पे लग गई है काफ़ी ज़्यादा भीड़। तो चलिए टाइमिंग की बात कर लेते हैं आज की अपनी 12203 सहरसा अमृतसर गरीब रथ एक्सप्रेस की। तो ये जो ट्रेन है वीक में 3 दिन चलती है, चलने का टाइम है इसका सहरसा बिहार से ये 2:30 बजे निकलती है दोपहर को, और 1710 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद दूसरे दिन रात को 10:05 पर आपको अमृतसर पहुंचाती है। आज हम सफ़र करने वाले हैं ट्रेन के गरीब रथ कोच में। जीवन हमारा कोच है, सीट बर्थ है हमारी 52। तो चलिए दिखा देते हैं आपको गरीब रथ अंदर से कैसी दिखती है। ये वाला मेरा है भैया, कहाँ बैठना, ये कौन है आपके साथ है? ये मेरे साथ है, ये मेरा बीच वाला है। और क्या नंबर है, कौन सा सीट है आपका? ये लोग बेटिंग वाले हैं। हाँ सभी बेटिंग वाले हैं। ओए इनका मम्मी गया है बाहर, भाई उठो, ए इन लोगों को उठा दीजिए, और ये बच्चे आएगा तो इसका मम्मी तो उठा लेंगे, आप बैठिए यहाँ। इतनी भीड़ है ना भाई, इतनी भीड़ है, ऐसे लगता है कि यही इकलौती ट्रेन है जो कि अमृतसर जाएगी भाई। देखो मतलब दिल्ली आ गई फिर भी भाई देखो पूरी भीड़ है भाई, ट्रेन पूरी पैक है भाई। देखो मेरी सीट पे देखो 1 2 3 4 5 6 जने मेरी सीट पे बैठे हैं। भैया आप कहाँ से आ रहे हो? मैं तो बिहार से आ रहा हूँ। बाकी भाई बिहार से, ऐसे ही सिलसिला है ना, इसमें बहुत भीड़ रहती है ना, ये ना होगी भाई पाकिस्तान पहुँचते पहुँचते हमारा पाकिस्तान यही बन जाए भाई। देखो अब जाना मुश्किल है इसमें गरीब रथ में। दोस्तों आपको थोड़ा फेयर है ना ये कम मिलेगा, क्योंकि इसमें आपको 3 बर्थ इस साइड ही मिलेगी, साइड लोअर, साइड मिडल और साइड अपर, और दूसरी ट्रेनों में साइड अपर और साइड लोअर ही होती है, बाकी एक एक्स्ट्रा सीट होती है। बाकी फेयर वगैरह इसका बताते हैं आपको डिपार्चर के बाद दिल्ली से, ठीक है। देखिए लगभग टाइम हो रहा है भैया 4:45 और अपनी जो ट्रेन है वो निकल चुकी है भाई दिल्ली से। वैसे मैंने आपको बताया था इसके 22 हॉल्ट हैं, लेकिन जो दिल्ली है ये इस ट्रेन का 17 हॉल्ट है भाई, मतलब कि इसने आधा सफ़र तय कर लिया ये समझो भाई। और देखिए दिल्ली से निकल रही है, अब ये ट्रेन सीधी अम्बाला जाके रुकेगी, उसके बाद लुधियाना, जलंधर, ये सब हमारा रूट रहने वाला है, और लास्ट में हमारा जो स्टेशन आएगा वो अमृतसर आएगा, जो कि पाकिस्तान बॉर्डर से लगभग 20-22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और फिर हम उससे आगे जाएंगे, दूसरी ट्रेन से जाएंगे, वो कैसे जाएंगे पूरा इस वीडियो में बने रहिए, आपको दिख जाएगा। बाकी देखिए नई दिल्ली से निकल चुकी है अपनी गरीब रथ एक्सप्रेस, देखिए और भाई इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है नई दिल्ली में,
देश की राजधानी होने की वजह से बहुत ज्यादा भीड़ है भाई। देखो बेटिंग टिकट आपकी, अच्छा ऐसे आ रहे हो सहरसा से, बुरा हाल है यार इसमें तो। में भाई कोच अटेंडेंट ने भी अपनी सीट भेज दी है, जो साइड वाली होती है ना जहाँ ब्लैंकेट वगैरह रखते हैं, वहाँ भी आपने देखा वहाँ भी पैसेंजर बैठे हुए हैं। तो मतलब समझ लो भाई कम किराया होने की वजह से इस ट्रेन की कितनी ज़्यादा डिमांड है। देखिए भाई दिल्ली को बोलते हुए बाय बाय बाय। और ये आ रही है सामने से हमारी राजधानी एक्सप्रेस, देखिए हावड़ा नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस जो कि यार से निकल के प्लेटफॉर्म पे लगने जा रही है। और भाई चप्पल लगा के कहाँ चढ़ रहा है यार, ये सीट है क्या तेरे ऊपर वाली? हाँ साला चप्पल लगा के चढ़ रहा है यार, चप्पल तो खोल ले। कहाँ इनकी सीट भाई, उठो यहाँ से, कहाँ आपकी सीट, उठो यहाँ से। सीट कौन सा है आपका? पता नहीं नहीं केड़ा सीट है, चेयर कार में जाओ, उठो यहाँ से। 8 बजे रात को ऐसे ही निकल जाते हैं जब पूरा कन्फर्म सीट है, मतलब खड़े बैठ के आ रहे बस। ये सोने नहीं दे रहे होंगे आपको यार, पूरा सर दर्द कर रहा है, इतना चिक्का मारी जा रहा है, क्या कर रहा है, चीके मार रहा है। तो भाई देख लो भाई ये है गरीब रथ का हाल, जिसकी कंफर्म सीट है ना वो चींके मार मार के ये सोने भी नहीं दे रहे हैं। बाकी भैया बिहार से आ रहे हैं, भैया परेशान हो गया पूरी रात। हाँ चाय करे, इसमें पेंट्री है क्या भैया? हाँ देखिए भाई गरीब रथ की रफ्तार, 100 की रफ्तार से चल रही है भाई अपनी गरीब रथ। देखिए अब भाई अपनी असली रफ्तार में अपनी गरीब रथ एक्सप्रेस, देखिए तभी तो भाई इसको गरीब रथ कहते हैं भाई, राजधानी के बराबर प्रायोरिटी है भाई इसकी। देखिए गरीब रथ की स्पीड भाई, मजा आ रहा है कसम से, 100+ स्पीड से 110 की स्पीड होगी भाई, 110-115 की। देखिए और इधर देखिए सन सेट को एंजॉय करिए भाई। अभी हो रही है अपने ट्रेन में भाई सफाई, देखो क्या भाई अपनी गरीब रथ खड़ी है गन्नौर में। और देखिए ओवरटेक पड़ने वाला है, इसको फ्लैट ओवरटेक दिखाते हैं भाई शताब्दी का। देखिए ये देखिए कालका शताब्दी का ओवरटेक पड़ गया भाई अपनी गरीब रथ एक्सप्रेस को, वाह। और ये ओवरटेक इसलिए पड़ा क्योंकि हमारी गरीब रथ 2.5 घंटा लेट है, वरना भाई नहीं पड़ता। सो लीजिए दोस्तों 1462 किलोमीटर का डिस्टेंस हमारी गरीब रथ एक्सप्रेस ने कवर कर लिया भाई सहरसा से, यानी कि बिहार के सहरसा से, और दिल्ली से 200 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया। और भाई इसने अति कर दी, मतलब कितने बजे चली थी यार, मतलब इसने अति कर दी, पहले ये 2.5 घंटा लेट थी, अब ये 3.5 घंटा लेट हो चुकी है अपनी गरीब रथ। सोचा यार अमृतसर से वहाँ चले जाएंगे, बॉर्डर तक चले जाएंगे, बट आज मैं जा नहीं पाऊँगा जिस हिसाब से मुझे सिचुएशन लग रही है, क्योंकि भाई इतना लेट हो जाऊँगा तो कोई गाड़ी नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगी, फिर सुबह ही देखेंगे कोई तरीके से जाना पड़ेगा बॉर्डर तक। बाकी ये जो अम्बाला है इसका स्टेशन कोड है UMB और ये हरियाणा का लास्ट हॉल्ट है, इसके बाद हम एंटर करने वाले हैं भाई पंजाब में।
बाकी दोस्तों भूख भी लग चुकी है और अभी हम खा रहे हैं अम्बाला के फेमस छोले और कुलचे। देखिए दो ही चीज़ें फेमस है अम्बाला में, एक है छोले भटूरे और एक है छोले कुलचे। तो अभी ट्राई करते हैं भाई छोले कुलचे, एकदम गर्मा गर्म है। 30 रुपये के आते थे, बंदे ने 40 के दिए यार, पता नहीं क्यों इतना लूट मचा रखी है। छोले कुलचे तो अच्छे हैं, बंदे ने बोला था ये स्पेशल है इसलिए 40 के दे रहे हैं, बट मुझे कुछ स्पेशल नहीं लगा भाई। बाकी देखिए निकल गई अपनी ट्रेन अम्बाला से भी भाई, और अभी हम कुछ ही देर में एंटर करेंगे भाई पंजाब में। और अम्बाला जो था ये गेटवे ऑफ हरियाणा भी है, अगर आप पंजाब से आते हो तो सबसे पहला जो शहर पड़ता है हरियाणा का वो अम्बाला ही पड़ता है। यही है 52 भाई, ऑर्डर था क्या? हाँ ये ठंडा हो गया यार। तो दोस्तों टाइम हो रहा है लगभग रात के 10 बज रहे हैं और 1575 किलोमीटर का डिस्टेंस हमारी श्री रथ एक्सप्रेस ने कवर कर लिया भाई, और पहुंच चुके अपने 20th होल्ट पे जो अपना लुधियाना LDH लुधियाना का स्टेशन कोड है। और स्वागत है आप सभी का भाई पंजाब में। बाकी लुधियाना से हमने ऑनलाइन ऑर्डर किया था महाराजा थाली करके, तो उसका भी अभी रिव्यू करके बताएंगे आपको खाना वाना कैसा है। बाकी पीछे अम्बाला में जो कुलचे छोले खाए थे ना वो भाई ऐसे ही थे, मैंने एक ही खाया था, एक मतलब दे दिया था क्योंकि यार खाया नहीं जा रहा था। बाकी ये लगी हमारी गरीब रथ एक्सप्रेस, जो इसका टाइम था वो 7:10 पे था लेकिन 10 बजे पहुंच रही है, यानी कि 3 घंटे लेट पहुंच रही है भाई अपनी गरीब रथ लुधियाना में। बाकी देखिए होंग हो चुका है अपनी गरीब रथ का भाई लुधियाना से, और ये देखिए इसका चेयर कार का कोच। बाकी अभी आपको सीट भी दिखा देते हैं इसमें किस किस टाइप की सीट होती है अपनी गरीब रथ में। तो सबसे पहले भाई अगर आप ये देखोगे ना तो ये होती है भाई इसमें बैठने के लिए सीट्स, लेकिन जो लोग भाई सहरसा से बैठ के आ रहे हैं ना भाई, कहाँ सहरसा से आ रहे हो, ये सारे भाई सहरसा से आ रहे हो तो बुरी हालत हो गई है बैठ बैठ के भाई। देखो सो नहीं पाए, कुछ नहीं कर पाए भाई, रात का सफ़र है दिन का सफ़र है, सोना भी होता है। देखो इधर भी देखो भाई कैसे सो रहे हैं। इसका जो किराया है वो भी आपको अभी बता देंगे, लेकिन बुरी हालत है भाई इसमें, मतलब ऐसे बंदा बैठ के नहीं है यार, पॉसिबल नहीं है। बंदा थोड़ी बहुत जर्नी हो, मतलब आधे घंटे की या 2-4 घंटे की जर्नी हो तो बंदा कर ले, लेकिन भाई करना पॉसिबल नहीं है भाई। इसका फेयर वगैरह आपको बताते हैं अभी, सबसे पहले डिपार्चर देख लेते हैं लुधियाना से भाई। देखिए और पंजाब के लुधियाना में इसके बाद फगवाड़ आएगा, जलंधर आएगा, ब्यास आएगा और फिर अमृतसर आ जाएगा हमारा। और अमृतसर के बाद हम जाएंगे बॉर्डर पर, जो कि इंडिया पाकिस्तान का इंटरनेशनल बॉर्डर है, कॉरिडोर है। वो कौन सा कॉरिडोर है वो आपको पता चल जाएगा, पहले पहुंच जाएं भाई सक्सेसफुली हम। चलो भाई देख लो यार लुधियाना से डिपार्चर। सो भाई ये लिया हमने खाना जो कि महाराजा थाली है, ये हमें पड़ी है 280 रुपये की। खाने में देखिए इन्होंने ये रायता दिया है एंड ये दाल है एंड ये मिक्स वेज आ गया, और ये आ गया इनका पनीर भाई, और ये स्वीट है देखो एंड ये चावल है। ठीक है तो अभी वन बाई वन आपको टेस्ट करके बता देते हैं कैसा है भाई खाना है भाई रायता। ठीक है रायता अच्छा है भाई सच में, एंड ये आ गई भाई दाल। सही है यार, ऑनलाइन ऑर्डर खाना करते हो तो आपको बेस्ट ही मिलेगा, मतलब बहुत रेयर केसेस होते हैं जिसमें भाई अच्छा खाना नहीं मिलता है, क्योंकि भाई इनको फीडबैक चाहिए होता है। अब खाना आप खा लोगे उसके बाद ये फीडबैक मांगेंगे, अगर ख़राब खाना देंगे तो इनकी रेटिंग डाउन हो जाएगी और इनका रेस्टोरेंट रद्द हो जाएगा, तो इसी वजह से ये अच्छा खाना भेजते हैं भाई। ये देखो इन्होंने मिक्स वेज भी भेजा है, ये आ गया मिक्स वेज। मिक्स वेज भी अच्छा है भाई, इन्होंने पनीर है। पनीर भी ठीक ठाक है भाई, अरे इन्होंने स्वीट भी दी है भाई। ओवरऑल भाई खाना बेस्ट है, रेटिंग दूंगा इसमें 10 में से 7 दे दूंगा भाई, ठीक ठाक है खाना।
चलो जी भाई 1663 किलोमीटर का डिस्टेंस हमारी गरीब रथ एक्सप्रेस ने कवर कर लिया भाई और पहुंच चुकी है जलंधर सिटी जंक्शन पे। और ये जो अपना जलंधर है ना, ये इस ट्रेन का लगभग 21वां हॉल्ट है भाई। और अभी हम इस ट्रेन की साफ सफाई देखेंगे, साथ में वॉशरूम की साफ सफाई देखेंगे कि कैसी है, सही है कि नहीं है। देखिए लोग पेशाब कहाँ कर रहे हैं बहन चो, देखो ऐसे लोगों का क्या किया जाए। अच्छा तो चलिए फेयर की बात कर लेते हैं आज की अपनी गरीब रथ एक्सप्रेस की। अगर आप सहरसा से अमृतसर तक इसमें यात्रा करते हो ना भाई, बिहार से अमृत तक, तो आपको थर्ड एसी का पे करना होगा सिर्फ और सिर्फ 1100 रुपया। तो मतलब 1100 रुपये में आप इतना लंबा सफ़र इसमें तय कर सकते हो। और अगर आप चेयर कार में आते हो तो आप 1000 रुपये में भाई सहरसा से अमृतसर तक आ सकते हो। बाकी यही है इस ट्रेन का फेयर, इसलिए इसकी ये हालत है भाई गरीब रथ की। देखो आपको नज़र मरवा देते हैं, देखिए देखिए भाई ट्रेन, देखिए देखिए ट्रेन की हालत, देखो देखो ट्रेन की हालत। और बाथरूम भाई पूरे के पूरे चौक हैं, बाथरूम जाने के लायक नहीं है। रेटिंग दूंगा बाथरूम्स को मैं 10 में से 3। देखो क्या हालत है भाई ट्रेन की यार, देखो ये देखो, मतलब देखो ये हालत है नीचे से गरीब रथ की। बाकी निकल चुकी है अपनी ट्रेन भाई जलंधर से। सो दोस्तों फाइनली पहुंच चुके हैं, 10 बजे के आसपास टाइम था लेकिन 12:30 बजे पहुंचाया हमारी गरीब रथ ने हमें अमृतसर में। और तो कल हम जाएंगे 0 पॉइंट पे, बॉर्डर पे, जहां से हम क्रॉस करेंगे बॉर्डर को। तो अभी हम जाएंगे सोने के लिए क्योंकि भाई 1 बज चुका है। करेंसी वगैरह कल ही एक्सचेंज करवाएंगे और आपको आगे की डिटेल कल ही बताएंगे कि हम कैसे कैसे क्या करने वाले हैं, ठीक है। अभी थक चुके हैं। सो गुड इवनिंग गाइज, आज हमारा दूसरा दिन हो गया भाई। और जो हमारी डेट ऑफ जर्नी थी ना पाकिस्तान जाने की, वो कल की थी। तो यहाँ पे मैं 2 दिन पहले ही आ गया हूँ। बाकी दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि मैं पाकिस्तान में कहाँ जा रहा हूँ। तो मैं जा रहा हूँ भाई पाकिस्तान में करतारपुर साहिब। करतारपुर साहिब जिनको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूँ, करतारपुर साहिब एक विलेज है जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, नरोवाल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है पाकिस्तान की। और ये वो जगह है यहाँ पे जो सिखों के पहले गुरु थे गुरु नानक देव जी, उन्होंने अपने ज़िंदगी के 18 साल यहाँ पे व्यतीत किए हैं। वहाँ पे खेती वगैरह करते थे और जो उनके गुरु थे उनका जो जन्म हुआ था वो ननकाना में हुआ था। तो वहीं पे मैं जा रहा हूँ और यहाँ से जो डिस्टेंस पड़ता है ना वो लगभग 45 किलोमीटर है यहाँ से करतारपुर मतलब पाकिस्तान, ठीक है। वहाँ पे जाने के लिए क्या क्या गाइडलाइन है, क्या क्या प्रोसीजर है वो आपको सुबह बताएंगे। सबसे पहले अपना मेन काम कर लेते हैं दोस्तों। वहाँ पे जाने के लिए आपको करेंसी जो लगेगी वो डॉलर्स में लगेगी, तो हम कुछ डॉलर्स ले लेते हैं। सबसे पहली बात तो हम $20 ले लेते हैं जो कि वहाँ की एंट्री फी है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई अच्छी सी दुकान पे चलते हैं, यहाँ पे करेंसी एक्सचेंज होती है एंड सही सही हमें रेट मिलेगा, तो हम यहीं से करेंसी एक्सचेंज करवा देंगे। तो उसके बाद आपको घुमाएंगे भाई अमृतसर मतलब गुरुद्वारा घुमाएंगे दरबार साहिब। एंड ये कुछ दरबार साहिब भाई सामने जलियावाला बाग, ये जो दीवारें हैं ना ये जलियावाला बाग की है। एंड यहाँ पे भैया ने बताया कि इसी चौराहे पे वो दुकान है, यहाँ पे हमें डॉलर्स मिल जाएंगे। थैंक यू। ये ले लिए हमने करेंसी और ये जो करेंसी ली है ये हमें पड़ी है लगभग 87 रुपीज़ के हिसाब से। अगर आप बस स्टैंड के पास से लेते हो या रेलवे स्टेशन के पास से लेते हो ना तो आपको 85 या 84 रुपए के हिसाब से मिल जाएगी। और यहाँ पे इसलिए और यहाँ पे इन्होंने इसलिए महंगा लगाया है क्योंकि भाई ये मेन मतलब ये देखिए ये मेन चौराहा है मतलब मेन स्ट्रीट है, इसलिए यहाँ पे इन्होंने ये डॉलर महंगे लगाए हैं। और जो मार्केट में रेट चल रहा है डॉलर्स का वो अभी 82 पॉइंट कुछ रुपये चल रहा है, चलो 83 लगा लो, चलो 2 रुपये आप एक्स्ट्रा लगा लो। लेकिन बंदे ने भाई 87 लगाए हैं, मतलब देख लो 4 रुपये एक्स्ट्रा लगाए हैं। तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, तभी मैंने ले लिया क्योंकि मेरा मन नहीं था बस स्टैंड वाली साइड जाने का। तो ये आप दर्शन कर लो भाई गुरुद्वारा गोल्डन टेंपल के यानी कि हरिमंदिर साहिब के दर्शन कर लो। अभी आपको अंदर भी जाके दिखाते हैं थोड़ा सा। तो ये देखिए हम आ गए भाई गुरुद्वारा गोल्डन टेंपल साहिब के अंदर, देखिए दर्शन कीजिए भाई हरिमंदिर साहिब के, देखिए गुड मॉर्निंग एवरीवन। और सुबह हो चुकी है, रात को मैं होटल में रुक गया था, अभी हम जाएंगे यहाँ से वेरका।
वेरका से जो हमारी ट्रेन है जो हमें डेरा बाबा नानक तक लेके जाएगी वो जाएगी 10:30 बजे, 10:50 के आसपास, नहीं 10:30 के आसपास जाएगी। और अब हम खा रहे हैं सुबह का ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, बाकी ब्रेकफास्ट में हमने ये लिए नान, बाकी अपने भाई देखो दिल्ली से आया, चलो खा लेते हैं अभी खाना वाना, उसके बाद सीधा आपको बस स्टैंड पे मिलते हैं, बेरका जाएंगे, बेरका से डेरा बाबा नानक जाएंगे, फिर अपनी जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों हम बैठ चुके हैं अभी रिक्शा में और जा रहे हैं भाई वेरका, बाकी 20-20 रुपए ले रहे हैं वेरका छोड़ने के, ये बैटरी वाला रिक्शा बस स्टैंड से ही पकड़ा है भाई हमने। सो भाई पहुंच चुका हूं मैं वेरका जंक्शन पे, देखिए, और वेरका जो है ये अमृतसर से लगभग 6-7 किलोमीटर होगा, और अभी हम जहाँ यहीं से जाएंगे डेरा बाबा नानक। मैम वेरका डेरा बाबा नानक के लिए ट्रेन जाएगी? सो भाई ये ले लिए हमने टिकट जो कि हमें 30-30 रुपए की पड़ी है डेरा बाबा नानक जाने वाले। भाई देखिए टाइम हो रहा है लगभग 10:45 हो रहे हैं, एंड इस ट्रेन का जो टाइम था ना वो था 10:30 बजे और 10:45 बजे आ रही है भाई यहाँ पे देखो, और यही ट्रेन हमें लेके जाएगी डेरा बाबा नानक। चलो बाजी, चलो सर, चलो भाई बैठते हैं इसमें, चलो बैठ जाते हैं। साइकिल आ गया, साइकिल बाबे दा, बाबे साइकिल आ गया बाबे दा, देखो भाई ट्रेन में साइकिल चढ़ा दिया बाबा ने। तो भाई निकल चुकी है अपनी ट्रेन भाई वेरका से, बाकी टाइमिंग की बात कर लेते हैं तो 10:30 बजे ये ट्रेन चलती है वेरका से और डेरा बाबा नानक पहुंचाती है आपको 11:50 पे, और हर दिन चलती है भाई ये ट्रेन वेरका से। अगर आप अमृतसर से जाना चाहते हो तो अमृतसर से 4 बजे के आसपास चलती है भाई देखो, और 45 किलोमीटर का सफ़र है। बाकी ये जो ट्रेन है ये पूरी बॉर्डर पे जाएगी, मैप पे देख लो भाई पूरा मतलब 0 पॉइंट पे ये ट्रेन जाएगी, और यहाँ पे हम जा रहे हैं ना वो लास्ट रेलवे स्टेशन है भाई, लास्ट रेलवे स्टेशन, उसके आगे पाकिस्तान शुरू हो जाता है भाई। तो इसी बहाने आज आपको इंडिया का लास्ट रेलवे स्टेशन भी दिखाएंगे हम, ठीक है, और सामने से ट्रेन आ रही है भाई। पठानकोट अमृतसर लोकल ट्रेन है, बाकी ये देखिए ये लाइन चली गई हमारी पठानकोट जम्मू वाली, और जिस लाइन पे अभी हम जा रहे हैं ये पूरी बॉर्डर वाली लाइन है भाई देखो। अच्छा तो दोस्तों अभी आपको बता देते हैं कि जहाँ पे मैं जा रहा हूँ पाकिस्तान में वहाँ आप ही कैसे जा सकते हो, क्योंकि बाद में बहुत लोग कमेंट करके पूछते हैं कि विशाल भाई आप कैसे गए। तो ये देखिए ये ऐसा कुछ ETA फॉर्म मिलता है, साथ ही साथ आपको चाहिए होगा पासपोर्ट, पासपोर्ट लेके आपको प्रकाश पर्व की वेबसाइट पे चले जाना है, एंड 15 दिन पहले आपकी रजिस्ट्रेशन होती है, उसके बाद भाई जैसे आप रजिस्ट्रेशन करते हो आपकी बैठती है इंक्वायरी, इंक्वायरी में आपकी पुलिस पूछताछ करती है, आपके घर पर आते हैं पूछते हैं कि आपने पाकिस्तान भेजना है कि नहीं भेजना है, उसके बाद जब आपकी इंक्वायरी बैठ जाती है उसके बाद डेट ऑफ जर्नी से 1 या 2 दिन पहले आपको ETA इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल पास इशू किया जाता है, जिसको लेके आपको पाकिस्तान में जाना होता है। अगर आपका ETA कंफर्म होता है तभी आप जा सकते हो, अगर आपका कंफर्म नहीं होगा तो आप पाकिस्तान नहीं जा सकते हो भाई। तो देखिए ये ऐसा कुछ होता है ETA फॉर्म, और जो भाई फ़ी लगती है वो $20 के आसपास लगती है पाकिस्तान में एंटर करने की, और जो आप वहाँ पर खर्चा करते हो वो आप पे डिपेंड करता है, वहाँ 1000 खर्चो, 500 खर्चो या कोई रुपया नहीं खर्चो। रामदास चलो भाई 34 किलोमीटर की दूरी तय कर लिया हमारी ट्रेन ने और पहुंच चुकी है भाई रामदास पे, और RTS रामदास का स्टेशन कोड है, 1-1 मिनट का हॉल्ट है। बाकी रामदास पे बाबा बुड्ढा का गुरुद्वारा भी है, बुड्ढा साहब जी का, जो कि वो सामने उस तरफ है, तो आप यहाँ पे दर्शन कर सकते हो। बाकी काफ़ी मतलब एकदम अनडेवलप रेलवे स्टेशन है भाई ये देखो, लेकिन इलेक्ट्रिफिकेशन हुई है भाई, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है भाई। सो लो जी दोस्तों स्वागत है आप सभी का इंडिया के लास्ट रेलवे स्टेशन पे, जो अपना डेरा बाबा नानक, और यहाँ से जो पाकिस्तान है ना वो लगभग 1 किलोमीटर दूर है, इसको आप लास्ट विलेज भी कह सकते हो इंडिया का, इसके बाद से भाई पाकिस्तान की सरहद शुरू हो जाती है। बाकी ये जो रूट है ये पहले पाकिस्तान को जाता था, लेकिन अभी ये रूट यहीं पर ख़त्म हो जाता है, एंड हो जाता है पार्टीशन के बाद, कोई भी ट्रेन उस पार नहीं जाती है, लेकिन पहले जाती थी अंग्रेज़ों के टाइम पे भाई। एंड ये है कुछ ऐसा डेरा बाबा नानक, एंड जो गुरु नानक देव जी थे वहाँ पे, इनका वहाँ यहाँ पे गुरुद्वारा भी है डेरा बाबा नानक में, उन्हीं के नाम पे इस जगह का नाम डेरा बाबा नानक पड़ गया भाई। तो ये है भाई
डेरा बाबा नानक देखिए, और जो ये रेलवे स्टेशन है काफ़ी ज़्यादा पुराना है। इसके स्ट्रक्चर को देख के आप जायज़ा लगा सकते हो कि कितना ज़्यादा पुराना रेलवे स्टेशन है। देखा यार। सो भाई देखो, अभी हम करतारपुर कॉरिडोर में जा रहे हैं डेरा बाबा नानक से ऑटो में बैठ के। भाई देखो, ऑटो में बैठ के जा रहे हैं एंड बिल्कुल पाकिस्तान के पास पहुँच गए हैं। पाकिस्तान जो 50 मीटर रह गया भाई यहाँ से, 50 भी नहीं होगा, है ना। ये जो कॉरिडोर है इसके पार भाई पाकिस्तान है। देखो भाई आ गए मेन। सो ये देखो भाई, एंट्री होने जा रही है हमारी पाकिस्तान के अंदर। देखिए एंड ये 0 पॉइंट पे आ गए हम। देखो भाई फाइनली भाई हमारी जो एंट्री वगैरह है वो यहाँ पे हो गई है। बाकी अभी हम जा रहे हैं अंदर। और भाई राहुल भाई नर्वस हो राहुल भाई नर्वस पूरे हैं। ये देखो भाई यहाँ पे वेलकम कितना बढ़िया बना रखा है भाई इन्होंने। देखिए क्या खूबसूरत जगह है। सो ये है भाई इनकी एंट्री। तो दोस्तों एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर आप अंदर जाते हो ना तो अपना 72 घंटे पुराना RT-PCR रिपोर्ट जरूर लानी है कोविड की करवा के। साथ ही साथ आपको ETA फॉर्म लाना है और पासपोर्ट लाना है, बाकी और कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगता यहाँ पे। बाकी फाइनली एंट्री होने जा रही है हमारी श्री करतारपुर कॉरिडोर के अंदर। देखिए सो फाइनली भाई हमारी इंक्वायरी वगैरह हो चुकी है। और अभी जो ये टर्मिनल है ना, ये मतलब शीशे दिख रहे हैं, इसके पार हमारा पाकिस्तान के लिए हमें गाड़ियां लेने के लिए आ जाएंगी। तो इस वीडियो को यही पेंड करते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है। अब जो पाकिस्तान जाऊँगा मैं, मतलब वो आप अगले पार्ट में देखना। तो ये पार्ट आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलेंगे आपको एक और नई खूबसूरत यात्रा के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और कोई भी इंक्वायरी हो ना, मतलब क्वेश्चन हो ना आपके मन में, तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ठीक है, बाय बाय।